वेलकम बैक यूएमबी न्यूज देख रहे हैं आप। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा प्रदेश के मौसम का हाल। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में बताइए किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूले। आपको बता दें एमपी यूपी और दिल्ली समेत इन राज्यों में आज भी होगी बारिश। देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश से लोग बेहाल हैं। आज भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, दक्षिण गुजरात, विदर्भ के कुछ हिस्सों में बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आज बादल छाए रहेंगे। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में आज भी हल्की बारिश हो सकती है। अमौसी स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता के अनुसार उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और आसपास बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र गुरुवार तक मध्य यूपी की तरफ बढ़ रहा था। इसी के चलते शहर समेत आसपास के जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने शुक्रवार से शनिवार सुबह तक तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। हालांकि शुक्रवार से कम दबाव का क्षेत्र कमजोर हुआ। अब इसके पूर्व की तरफ बढ़ने से यूपी के तराई वाले जिलों में और उत्तराखंड के सटे जिलों में शनिवार को तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई। इस दौरान शहर में बदली छाई रहेगी और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अत्यधिक बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा आसपास के लिए शनिवार को येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, आजमगढ़, जौनपुर, मंगबलिया, गाजीपुर और आसपास के जिलों में गरज चमक के साथ आंधी तूफान का येलो अलर्ट भी जारी किया है। मध्य प्रदेश में आफत की बारिश। मध्य प्रदेश में कई हिस्सों में लगातार हो रही बरसात से लोगों की मुसीबत बड़ी हुई है। शिवपुरी में 3 दिनों तक झमाझम बारिश के बाद नदी नालों में तेज उफान है। बदरवास के रामपुरिया में पानी से डूबे पुल को लोग जान पर खेल कर पार करते दिखे। मंडला में ऊपरी इलाकों में बारिश से नर्मदा नदी फिर उफान पर है। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कन्हार, बुढ़नेर, बंजर, सुरपन नदी भी उफान पर है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। उज्जैन में भारी बारिश के बाद क्षिप्रा नदी भी उफान पर है। कटनी, रतलाम के कई इलाके बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश से बेहाल। महाराष्ट्र के ठाणे समेत कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया है। शुक्रवार को ठाणे रेलवे स्टेशन के कुछ रेलवे ट्रैक भी पानी में पूरी तरह से डूबे दिखे थे। मुंबई और कोंकण इलाके में तेज बारिश से लोग परेशान हैं। आज भी हल्की बारिश होने के आसार हैं। वहीं मुंबई में भी आज हल्की बारिश होने की संभावना बताई गई है। पुणे में भारी बारिश की वजह से खड़कवासला बांध से पानी छोड़े जाने के बाद मुलामुठा नदी का जलस्तर बढ़ गया। और किन किन राज्यों में आज होगी बारिश। मौसम विभाग IMD ने देश के कई राज्यों में आज बारिश की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश संभव है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, दक्षिण गुजरात, विदर्भ के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक या दो जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। बिहार के शेष हिस्सों, गंगई, पश्चिम बंगाल, तटीय कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। बाकी पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, केरल, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर रोज ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए UMB न्यूज़।